हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रायर, आप देख रहे हो हिंदी की वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बुटलेगर रॉम के बारे में। इसका 5.1 वर्जन अवेलेबल हो गया है रेडमी 4A डिवाइस के अंदर। देख पाओगे मेरे पास रेडमी 4A, इसके अंदर हम बुटलेगर रॉम के यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाके दिखाना चाहूँगा अबाउट फोन के अंदर। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपको एंड्रॉयड 10 मिल जाएगा। ये जो दोस्तों वर्जन है, दोस्तों ऑफिशियल वर्जन है 29 ऑफ मे का बिल्ड यहाँ पर हमें मिलती है 5.1 का। 12 वर्जन के ऊपर अनऑफिशियल बिल्ड मिलेगा। 5 मई 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट यहाँ पर हमें मिल जाती है। कर्नल की बात करो दोस्तों, यहाँ पर एटमोस्फेयर कर्नल को यूज किया गया है। जो बुटलेगर रॉम है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रॉम है। आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिकनेस मिलेगी, मतलब कस्टमाइजेशन आपको ढेर सारी मिलेगी। सबसे पहले जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कस्टमाइजेशन, वही दोस्तों यहाँ पर ब्राइटनेस बार के अंदर आप दोस्तों टैप टैप करके भी जो ब्राइटनेस है उसे घटा बढ़ा पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देख पाओगे, एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर अनऑफिशियल रॉम है इसलिए छोटे मोटे दिक्कत तो आपको आएगी। मतलब कुछ कुछ टाइम दोस्तों आपका जो डिवाइस है दोस्तों ये ठीक से काम नहीं करेगा, एंड यहाँ पर और कुछ कुछ प्रॉब्लम हमें दिखाई देगा। सो इस बिल्ड के अंदर आपको दोस्तों जो लॉन्चर का लैग था दोस्तों उसे फिक्स करके दिया गया है, एंड जो FM रेडियो भी था उसे भी फिक्स करके दिया गया है। अगर आप FM रेडियो को सुनना चाहते हो तो आप FM रेडियो को भी सुन सकते हो, कोई वाले में बात नहीं। सिर्फ हेडफोन को प्लग कीजिए, उसके बाद आप FM रेडियो को भी सुन पाओगे। और एक बात है दोस्तों, जो यहाँ पर टॉगल्स के अंदर बग्स था उसे भी फिक्स करके दिया गया है इस पर्टिकुलर अपडेट के अंदर। जो यहाँ पर दोस्तों आपको जो डिफॉल्ट कैमरा मिलता है स्नैपड्रैगन का कैमरा मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक कैमरा है। देख पाओगे कुछ इस तरह से हमें स्नैपड्रैगन का बेसिक कैमरा मिल जाती है, जिसके अंदर कोई फीचर भी नहीं है। बट एक अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर जो प्ले स्टोर काम कर रहा है, प्ले स्टोर से आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हो, मतलब प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, गेम्स को डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आती। कैमरा टू API की बात करूँ तो कैमरा टू API का जो एप्लीकेशन है कैमरा टू API पूरे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखते हैं क्या गूगल कैमरा काम करेगा और नहीं। सो इस रॉम का डाउनलोडिंग मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना। सो बूम, ये जो रॉम है जैसे लेवल 3 का सपोर्ट करता है, मतलब कैमरा टू API अवेलेबल है। आप चाहो तो गूगल कैमरा का यूज़ करके देख सकते हो अपने रेडमी 4A डिवाइस के अंदर। ये जो रॉम है गूगल कैमरा को आराम से सपोर्ट करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पर फाइल मैनेजर के साथ साथ मिक्स फाइल मैनेजर भी मिलेगी, गैलरी एप्लीकेशन भी यहाँ पर हमें मिल जाती है। यहाँ पर रेट्रो म्यूजिक प्लेयर भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करती है। अभी फिलहाल कोई भी गाना नहीं है इस डिवाइस के अंदर। यहाँ पर ब्राउजर भी मिलती है। यहाँ पर इस रॉम के अंदर आपको दोस्तों प्ले स्टोर का जो GApps है उसे अलग से फ्लैश करना पड़ेगा। ये जो रॉम है दोस्तों GApps के साथ नहीं आता है, आपको अलग से GApps को फ्लैश करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो प्ले स्टोर है उसका सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर कोई भी आलतू फालतू का एप्लीकेशन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड रॉम है, एंड जो बुटलेगर रॉम है काफ़ी अच्छा है। अगर बात करूँ कस्टमाइजेशन की तो यहाँ पर दोस्तों कस्टमाइजेशन से पहले बता दूँ, वाईफाई काम कर रहा है, मोबाइल डाटा काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, हॉटस्पॉट काम कर रहा है दोस्तों, GPRS भी यहाँ पर काम कर रहा है। अभी दोस्तों ब्लूटूथ कॉलिंग के बारे में मालूम नहीं है, जियो कॉलिंग के बारे में मतलब वीडियो कॉलिंग के बारे में मालूम नहीं है। और बात करें पर कस्टमाइजेशन तो स्टेटस बार की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 4G आइकन स्टेटस बार यूज, ओल्ड मोबाइल स्टाइल, वॉल्टी आइकॉन के लिए नेटवर्क ट्रैफिक, बैटरी स्टाइल्स, बैटरी बार, मतलब कस्टमाइजेशन भाई सब दबा के दिया करा गया है। आप इस सारी कस्टमाइजेशन आपको और जितने भी रॉम्स है उसके अंदर दिखाई देती है, तो अलग से कुछ ह्यूज चेंजेस यहाँ पर नहीं किया गया है। क्विक सेटिंग्स की बात करूँ, यहाँ पर ब्राइटनेस आइकॉन एनेबल करने के लिए हाइडर इमेज को, सो यहाँ पर आप खुद से इस रॉम को ट्राई कीजिए, उसके बाद इस सभी ऑप्शन के साथ टेस्ट करके देखिए। आप अगर आपको पसंद आया है तो अप्लाई कर देना। सो लॉक स्क्रीन के अंदर भी यहाँ पर कस्टमाइजेशन मिलेगा वेदर के लिए, एंड डेट फॉन्ट ऑप्शंस के लिए फिंगरप्रिंट, जो कि हमारा कोई भी काम का नहीं है। यहाँ से दोस्तों आप एडवांस जो रीसेट का ऑप्शन है उसे भी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन है, बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन की। तो हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर जो है गेमिंग मोड लोकेशन इससे पहले ऊपर ले आते हैं, यहाँ पर आपको डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिलती है, उसके अंदर चेकआउट करना होगा क्या उसके अंदर। ओके, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है दोस्तों देख पाओगे 20 बिट्स तक कर सकती है, एंड बूम दोस्तों आप इंटरनल साउंड को भी रिकॉर्डिंग कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। ये जो रॉम है दोस्तों इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है। सो वन ऑफ द
फ्यू रॉम है जो कि इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, इसलिए काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर आपको गेस्चर्स का भी लिए मिलती है और अबाउट बूटलॉगर का भी ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाती है। सो इस रॉम का दोस्तों खासियत है दोस्तों, ये जो रॉम है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है एंड सभी ऑलमोस्ट जो फीचर है जो कि आपको जरूरत होगी, नेसेसरी होगी, वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ज़्यादा बूटलॉगर नहीं है, मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन के साथ नहीं आता है, मिनिमलिस्टिक एप्लीकेशन के साथ आता है एंड काफ़ी अच्छा रॉम है, लाइट वेटेड रॉम है, अब बहुत ही फास्ट काम करेगा अपने रेडमी 4A डिवाइस के अंदर। और अगर बात करें पर बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ मुझे जो मिला है दोस्तों मॉडरेट यूजर्स के अंदर ठीक ठाक मिला है, डिसेंट बैटरी लाइफ यहाँ पर मिला है। ये जो रॉम है अभी भी अनऑफिशियल के अंदर, इसलिए थोड़ा सा कम बैटरी लाइफ यहाँ पर मिलेगी। अगर आप ये रॉम ऑफिशियल के अंदर लॉन्च हो जाएगा तो शायद बैटरी को और भी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया और आपको और भी अच्छा बैटरी लाइफ यहाँ पर मिल सकता है। एनीवे मैं आशा करता हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको बूटलॉगर रॉम का डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।